हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम साइज 40 इंच सादा ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज का पीस लिया है, तो पहले हम इसको नाप लेते हैं कि कितना हमारा कपड़ा है। तो यहाँ पर हमारा कपड़ा 100 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा कपड़ा है वो 1 मीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछा देना है। और दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, जिसमें हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 16 इंच पर इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हमें अपनी साइड में 1/2 इंच पर निशान लगा देना है काज और बटन की पट्टी के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 6 इंच है, तो 6 को 1/2 करेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर हम गले की लंबाई 7 इंच लेंगे। तो इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई कर देना है। फिर हम शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। शोल्डर की चौड़ाई हमें 2.5 इंच लेनी है, जिसमें हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से आर्मोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्मोल की लंबाई हमें 6 इंच लेनी है, जिसमें 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 6.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से आर्मोल की गोलाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई 40 इंच है, तो 40 को 1/2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 20 इंच और 20 इंच को 1/2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 इंच। तो 10 इंच पर हमें निशान लगाना है और यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं। सीने का हमें चौथाई भाग लेना होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कमर की चौड़ाई नापेंगे। कमर की चौड़ाई हमारी 34 इंच है, तो 34 को 1/2 करेंगे तो यहाँ पर 17 इंच आएगा और 17 इंच को 1/2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8.5 इंच, जिसमें हमें 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं और इस तरह से दोनों निशान को मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है, अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, एक पल्ले को लेंगे और प्लेट का निशान लगाएंगे। जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया था, तो वहाँ से छोड़ के हम प्लेट की चौड़ाई 4.5 इंच लेंगे और लंबाई में हमें 4 इंच लेना है। तो इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर लंबाई में 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2.5 इंच का यहाँ पर हमें गैप लेना है। तो इस तरह से दोनों निशान को मिलाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, तीसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम लंबाई में 4 इंच पर निशान लगाएंगे और 2.5 इंच का यहाँ पर हमें गैप लेना है और इस तरह से दोनों निशान को मिलाएंगे। फिर हम चौथा प्लेट का निशान लगाएंगे, यहाँ पर हमें 2.5 इंच का गैप लेना है और इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर हमारे एक पल्ले में निशान लग गए हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पल्ला लेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल एक बराबर रख देना है और यहाँ पर इस तरह से छापेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे दूसरी तरफ भी निशान लग गए हैं। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से निशान लगा लेंगे, इससे हमारे निशान अच्छे से दिखेंगे।
तो यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग और प्लेट का निशान लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करके बिछा देना है। फिर हम आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। जो हमने काज पट्टी के लिए आधा इंच का मार्जिन लिया था तो उसको हम बाहर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर नीचे से और साइड से हम सेम निशान लगाएंगे। आगे वाले पल्ले पर हमने यहाँ पर एक इंच पर निशान लगाया था, तो पीछे वाले पल्ले पर हमें डेढ़ इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से आरमोल की गुलाई करेंगे। गले की चौड़ाई हमें सेम रखनी है 3 इंच। फिर हम आगे वाले पल्ले को हटा देंगे और गले की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमें गले की लंबाई 8 इंच लेनी है। तो इस तरह से बॉक्स बनाकर गुलाई करेंगे। यहाँ पर आप गले की लंबाई अपने हिसाब से ले सकती हैं, कम ज़्यादा। फिर हम क्या करेंगे, नीचे से आधा इंच पीछे वाले पल्ले को छोटा रखेंगे और साइड से भी हमें आधा इंच पीछे वाले पल्ले को छोटा रखना है। तो इस तरह से निशान लगा देते हैं। तो हमने निशान लगा दिया है, अब हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें चौड़ाई में 6 इंच पर निशान लगाना है और लंबाई में 4 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हमें कट लगा देना है। इससे हम इसी के बराबर दूसरी तरफ भी निशान लगा लें। तो यहाँ पर भी हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें पहले एक बार फोल्ड करना है, फिर इस तरह से दोबारा से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। यहाँ पर हमारी बाजू की लंबाई 4.5 इंच है, जिसमें आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 14 इंच है, तो 14 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। और ऊपर की तरफ हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहीं से बाजू की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमें बाजू की चौड़ाई 8.5 इंच लेनी है। तो 8.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें बाजू की गुलाई कर देना है। और यहाँ पर हम दोनों निशान को मिलाएंगे। साइड में हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें बी सेंटर पर एक कट लगा देना है। और यहाँ पर हमें 1/2 इंच की गहराई देनी है। तो यहाँ पर कट लगा देंगे, ऐसा हमारा आगे की तरफ रहेगा। और इस तरह से बंद साइड की भी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बाजू की भी कटिंग कर ली है। जो हमारा कट है वो आगे वाले पल्ले पर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से कपड़े को लेंगे और तिरछे में और भी पट्टी कटिंग कर लेते हैं। 1.5 या 2 इंच चौड़ी हमें 2 पट्टी कटिंग कर लेना है।
तो यहाँ पर हमने और ए बी पट्टी कटिंग कर ली है और हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है और इस तरह से आगे वाले पल्ले की भी कटिंग हो गई है और पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग हो गई है और ये हमने काज और बटन वाली पट्टी कटिंग करी है। तो दोस्तों इस तरह से हमने साइज 40 इंच सादा ब्लाउज की कटिंग करना सिखाया है और इसकी सिलाई हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों मैं विनती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।